बेमेतरा जिले में अवैध रूप से पिस्टल की खरीदी बिक्री करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70,000 रुपए नगद, दो पिस्टल, 6 राउंड के दो मैगजीन, एक कार, दो बाइक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों ने लूट की झूठी घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी। SDOP मनोज कुमार तिर्की ने बताया कि 3 जून को पुलिस को खबर मिली थी कि ग्राम कंतेली के पास अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हो पा रही थी कि इन 3 लोगों ने मिलकर एक बाइक सवार को गोली मारी और पैसे भी नहीं लूटे। दूसरी बात ये भी थी कि गोली पैर पर ही क्यों मारी। पुलिस ने पहले नाकेबंदी की और गोली लगने से घायल होने वाले युवक से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि वह बेमेतरा के दिनेश चंद्र शर्मा के पास कट्टा सप्लाई करने आया था। इसी दरमियान ट्रायल के दौरान उन्होंने 2 फायर हवा में किया और तीसरी फायर धोखे से उसके पैर में ही लग गई। घटना को छुपाने के लिए तस्लीम चौधरी ने पुलिस को लूट का किस्सा सुनाया था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। तस्लीम जो है वह बेमेतरा निवासी दिनेश चंद शर्मा को एक पिस्टल बिक्री करने ले गया था और ट्रायल करने के दौरान 2 फायर उसने हवा में किए थे और गलती से 1 फायर उसके पैर में हो गया था, जिससे वह घायल हो गया था। इसमें आरोपी चौधरी तस्लीम अभी वर्तमान में जेल में है एवं उसका साथी अजय को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश चंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में 2 पिस्टल जब्त किया गया है, 6 जिंदा कारतूस, 2 चले हुए बुलेट, 1 खाली खोखा, 1 पंच टाटा पंच कार और 1 प्लेटिना मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी